Thank you. We have got a huge response from the audience. So how excited? Only one day after tomorrow the movie has been released. So how excited? I'm very excited. And being Gujarati, this is in my DNA. It's about business. And today's India is, we know that it's 60% India is youth. तो यूथ को ये अट्रैक्ट करेगी, मोटिवेट करेगी फिल्म कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है और मॉरल वैल्यूज़ और बिजनेस उस दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करना है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी. कौन सा मूवी जब आपने सोचा कि ये मूवी मैं प्रोड्यूस करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको ये वैसे भी फॉर गुजराती एंड मारवाड़ी कम्युनिटी बेसिकली शेयर बाज़ार ये हमारे हर एक के घर में होता है. तो शेयर बाज़ार के ऊपर और बिजनेस के ऊपर काफ़ी टाइम से कोई मूवी आई नहीं है. आपने देखी होगी कि एक ज़माने में त्रिशूल आई थी, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर थी, ये शेयर बाज़ार के ऊपर है. तो देट गॉट मी एक्साइटेड कि ये एकदम राइट स्क्रिप्ट है. देखिए ये कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी होती है, तो वो सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से ये लाइन कही गई है. जैसे कभी कभी हमारे में कहते हैं कि क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट और भगवान दोनों आते हैं, तो भगवान को बोलते हैं कि आप 10 मिनट वेट कर लो, मैं पहले क्लाइंट से निपटा लेता हूँ. तो ये सिनेमैटिक लिबर्टी है, उस हिसाब से बोला गया कि भगवान से कम नहीं है पैसा, लक्ष्मी अपने जो बोलते हैं तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है. हाँ, बाज़ार ने 1200 पहले हमारा टारगेट था 800 स्क्रीन का अभी, लेकिन जिस हिसाब से ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है उस हिसाब से हमने करीब 1200 स्क्रीन में ये कल रिलीज हो रही है. मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी पिक्चर देखो बाज़ार, जो कल रिलीज़ हो रही है. बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है, बहुत ही मज़ा आएगा सबको, फैमिली एंटरटेनर है, और प्लीज़ गो वॉच इट, यू विल लाइक इट फॉर श्योर. थैंक यू. हाँ जी, अच्छा वो तो है. हाँ जी, एक्साइटेड हूँ, बटरफ्लाइज भी है, पर उससे ज़्यादा मैं बहुत इंपेशेंट हूँ. इंपेशेंस बहुत महसूस हो रही है कि आज सबको, मैं ये चाहती हूँ सब आज ही देखें, कल तक वेट नहीं कर सकता. हाँ जी, नहीं बिल्कुल. अभी ऐसा था कि शूट से पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि चलो प्रेशर तो महसूस हो रहा था और थोड़ा सा वो इंटिमिडेशन फैक्टर भी था. पर पहले दिन जब मैं शूट पे गया था सैफ सर के साथ, इंटरेक्शन के होने के बाद सब गया, क्योंकि वो इतने फनी, इतने अच्छे हैं. आई वॉज वेरी ब्लेस्ड. यार लाइन क्रॉस करनी होगी तो बड़ा आदमी बनने का है, तो लाइन क्रॉस करनी होगी ना. रिस्क लेना पड़ेगा. होपफुली रिस्क लेना चाहिए. अगर आप रिस्क अच्छी तरह से आप रिस्क लेते हैं, द पे ऑफ इज वेरी बिग. तो कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, इतना हमेशा सेफ नहीं, यू कांट प्ले सेफ ऑल द टाइम. हाँ जी, बहुत अच्छा रहा, दोनों इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं. उसके अलावा दोनों इतने अच्छे इंसान हैं. मुझे इतना मोह कभी ये महसूस करने नहीं दिया कि मैं एक न्यू कमर हूँ. दे ट्रीटेड मी लाइक चलो हम साथ में प्रोफेशनल हैं, हम साथ में वैसे काम करें. उनके साथ मतलब सैफ सर के साथ नहीं, अभी ऐसा सैफ इतने फनी, इतने हिलेरियस आदमी है कि हर दिन सेट पे इतने इन्जॉय किया था कि वो ऐसे मतलब बहुत ही इन्जॉय किया हर दिन, वैसा ही था मज़े में. जी, टू द पीपल
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज गो वॉच द फिल्म, यू रियली एंजॉय इट. एक एंटरटेनर, फैमिली एंटरटेनर है. उसमें हम मॉरल्स के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में बात करें, तो एक रिलेटेबिलिटी भी है. प्लीज गो एंड वॉच बाजार. जी, थैंक यू सो मच. Thank you.